नेमिंग ऑफ ओइक एसिड हमारे पास हो चुका था, हेडिंग डाल लीजिए नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, नेमिंग ऑफ सॉल्ट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एसिड्स हैं, उन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सॉल्ट से पहले नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, हमने आईयूपीएसी नेमिंग करा। कुछ और भी एसिड हैं जैसे डाई ऑइक एसिड, डाई ऑइक एसिड ये कब लगता है? डाई ऑइक एसिड आप जानते हैं ये क्या है, H2SO4। H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस H2O कर दो तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी बताएं, H4S27, इसका नाम क्या होगा, डाइओइक एसिड। एक और नाम है जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, पायरो एसिड, पायरो डाइओइक एसिड, यानी इसका नाम है सल्फ्यूरिक, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने ट्राई ऑइक एसिड लिख दिया तो 3H2SO4 लेना पड़ेगा और -2H2O करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात? तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 6, 6 में से 4 गए तो H2S3O7 था, अब कितना हो जाएगा, 3, 4, 3, 12, 12 में से 2 गए तो 10, इसका नाम हो जाएगा डाई की जगह ट्राई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, सल्फर, ध्यान से सुनिएगा, कितने सल्फर है, 3, कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 10, 6 तो कॉर्नर वालों को मिल जाएंगे, हर एक को 3, अब कितने बच रहे, 4, अभी भी बच रहे ना, 4 बिल्कुल है, तो बीच वाले को मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 और मिल गए, अब कितने बच रहे हैं, ऐसे बनते हैं स्ट्रक्चर। हमने बहुत प्रैक्टिस की है सल्फर की, अगर नहीं बचते तो हम कंटिन्यू कर देते, हमारे क्या था 1, 2, 3 सल्फर, हम कॉर्नर वाले को 6 दे दो, उसके बाद जो बचे उसको एडजस्ट करो। तो ट्राई के बाद टेट्रा ऑइक एसिड, क्या करोगे, 4H2SO4 -3H2O, तो आपके पास कुछ भी हो लेकिन आपको स्ट्रक्चर दिख गई, अब आपको बनाना आ गया, ओ एच ओ सल्फर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ओ सल्फर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ओ सल्फर डबल बॉन्ड, यही बनेगा। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 4, 2, 8, 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 2, सल्फर तो 3 है ही नहीं, 4 है, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 4, 4, 16, 16 में से कितने गए, 3 गए, बचे कितने, 13, तो 13 है या नहीं है, 6, 6, 2, 12, वैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, वो तो दिख ही रहा है, बीच वाले साले सल्फर इस तरह से होंगे पक्का। तो ये हमारे पास आ गए 10, डाई ओइक एसिड, ट्राई ओइक एसिड और टेट्रा ओइक एसिड, ये सब हमारे पास। तो क्या डाई ओइक एसिड का कोई और एग्जांपल है आपके पास, हाँ, ये पूरी चीज हम फास्फोरस के लिए भी ले सकते हैं, सेम चीज, ये तो सल्फर फैमिली के लिए, सल्फर फैमिली, अगर फास्फोरस के लिए लोगे तो कैसे वर्क करेगा, हटा दूं मैं पहले ये, ऊपर लिख लेना सल्फर, अब फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड के लिए, तो जल्दी से आप बताइए, आप ही मदद कीजिए मेरी, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4,
माइनस एच टू। आप खुद ही बना सकते हैं, जल्दी से बताएं यहां पर कितना होगा। दो तीन में से दो गए तो कितना बचा, सॉरी यहां पर दो लेना पड़ेगा, दो में से। हाँ अब सही है, 3 2 6, 6 में से दो गए तो 4 P2O7। इसको क्या बोलोगे, डाई फॉस फोरिक एसिड। इसका एक और नाम आपको याद है क्या है मालूम है, पायरो फॉस फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी है। इसका स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बना सकते हो। कैसे, फास्फोरस आपको अच्छे से मालूम है, डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, बस खत्म। हटा दूं मैं ये वाला। अब आपके पास ट्राई ऑइक एसिड में फास्फोरस है तो 3 PH3 PO4 माइनस ट्वाइस एच टू, क्या बन जाएगा, 3 2 6, 6 में से 4 गए तो कितने आएंगे, 2। कुछ गड़बड़ हो रही है, 3 2 6, 6 में से 4 सही है, 3 2 6, 3 3 9, 9 में से 4 गए तो कितने बचे आपके पास, 5 P3O, कितने हुए, 4 3 12, 12 में से 2 गए तो 10। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, मुझे तो दिखाई दे रहा है, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, बीच में बस ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक ओ एच आएगा फिर ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सिमेट्री लगाता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या 9 10 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन भी गिन लो, क्या 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, सही है वो तो, बीच में ओ ओ एच ओ एच लिंकेज जुड़ता जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा ट्राई फॉस्फोरिक एसिड। टेट्रा ऑक्सी एसिड्स आप खुद ही बना लो, डायरेक्ट बना सकते हो। इसका नाम क्या है, ट्राई फॉस फॉरिक एसिड, टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड क्या बनेगा, 4H3PO4 माइनस थ्राइस एच टू ओ एच, 4 3 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, P4O 7, 3 3 ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं देखो तो 13 ही आएगा, आप चाहो तो चेक कर लो, 4 चौक 16, 16 में से 3 गए, 13 बचे। फॉर्मूला कैसे बचेगा, बस ये वाला स्टेप बीच में और ऐड हो जाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, 2 बार आएंगे। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 2020 के लिए कि टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड में पीओ लिंकेज कितने हैं, पीओ लिंकेज पीओ, क्या इसको पीओ लिंकेज में काउंट करेंगे, हाँ 1 2 3 4, 4 इसमें है, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, पक्का हर एक पे 4 है, बताइए पी डबल बॉन्ड ओ लिंकेज कितने हैं, पी डबल ओ बॉन्ड कितने हैं, 4, पी ओ पी लिंकेज कितने हैं, 1 2 3, टेट्रा में 3, ये ज्यादा पूछने के ज्यादा चांसेस है, पी ओ पी लिंकेज कितने हैं। हाँ नेक्स्ट बताओ इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, हर एक पे दो 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 चार, और बीच वाले पे एक एक आते हैं हमेशा, जितने भी डाइओइक ट्राइओइक टेट्रा एसिड है उनमें आप ध्यान रखना बीच वाले में चेंजेस आते हैं, बाकी एक कम हो जाता है बीच वाले का, तो 2 2 4 5 6, यहां पर 2 2 4 और 1 5, स्ट्रक्चर बना लिया, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, पहला काम है आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, समझ में आ रहा है, तो अगर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, कर सकते हो, आ गया समझ में, तो ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम और आगे जा रहे हैं,
एक और हमारे पास नेमिंग बच रहा है और वो है थायो, थायो एसिड नेमिंग। थायोनिक एसिड इसका पहला नाम है, ए यानी फर्स्ट, थायोनिक एसिड या थायो सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, जानते हो आप? हाँ, अगर सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन सल्फर से हट जाता है तो उसको थायो सल्फ्यूरिक एसिड हम बोल सकते हैं। यानी ध्यान से सुनिएगा, एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, यहां डबल, ये तो है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये ऑक्सीजन सल्फर से हट गया तो क्या हो गया, थायो सल्फ्यूरिक है। पहले ये यही नाम आया था, इसका नाम है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, H2S2O3, थायो सल्फ्यूरिक एसिड पक्का। लेकिन हमें एक और मिल गया एसिड और वो था डाई थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने क्या करा, रूल ये लगा दिया दो सल्फर है तो वो ऐसा था कुछ, बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो हमने इसका नाम क्या रखा, डाई थायो सल्फ्यूरिक एसिड, नाम लिख ही रहा है ऊपर, डाई थायो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमारे पास और आया थ्री, ट्राई थायो सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर सल्फर सल्फर, सिर्फ कॉर्नर वाले पे ऑक्सीजन है, बिल्कुल। इसमें पूछे जाएंगे एसएस लिंकेज, डाई थायो सल्फ्यूरिक एसिड में एसएस लिंकेज कितने हैं, एक, ट्राई में दो, टेट्रा में तीन, पॉली थायो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने सल्फर लिंकेज होंगे, फोर्थ, पॉली थायो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एस डॉट डॉट डॉट, एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ एस डॉट 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 ओ एच, और कितने एन होंगे यहां से लेके यहां तक, एन, ये है पॉलीथायो सल्फ्यूरिक एसिड। एस एस लिंकेज कितने हो जाएंगे, N-1, ट्राई में दो थे तो पॉली में कितने हो जाएंगे, N-1, सिंपल है ये ट्राई में SS लिंकेज एक दो बस। तो ये हमारे हो गया अलग तरह की नेमिंग जा रही है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, हाँ या ना? तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ और नेमिंग भी है जो कॉमन नेम है, हमने एक तरह से एसिड की नेमिंग क्या दे रहे हैं, हमने डेरिवेटिव्स बनाते जा रहे हैं और उन्हीं को आईयूपीएसी में इन्वॉल्व करते जा रहे थे, क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए, एक और नेमिंग है जिसको हम पढ़ते हैं कैरोज, CARO, कैरोज एसिड, ये कॉमन नेम है, सल्फर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच सल्फ, देखा जाए तो ये पर सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका एक और नाम है परोक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज में ही है तो परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी है। तो इसके कितने नाम हो गए टोटल, तीन, एक दो तीन, कारोस एसिड। मैंने इसको ये याद करने के लिए ट्रिक बना रखी है, भाई कार के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है H2SO4, लेकिन स्टैंडर्ड कार में
महंगा वाला एसिड भरते हैं जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन हो, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा हो तो कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी? H2S2O5। ये याद करने के लिए ट्रिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो कैरोज एसिड्स आपके पास जो है वो पर सल्फ्यूरिक एसिड या परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी है। तो बताइए परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड में POH लिंक, सॉरी SOH लिंकेज कितने हैं? एक। और सल्फ्यूरिक एसिड में दो। इसमें OO लिंकेज कितने हैं? एक। परोक्सी बॉन्ड है या नहीं है? है। एक और है मार्शल एसिड, मार्शल एसिड्स डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच। इसका एक और नाम बना सकते हो, मार्शल एसिड तो बोलो ही आप, मार्शल एसिड CH भी लग सकता है, CH देख लेना मार्शल। तो मार्शल एसिड्स के अंदर आपको क्या खास बात दिखेगी? इसका एक और नाम बता सकता हूं, अगर यहां एक ऑक्सीजन होती तो ये क्या नाम होता? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो यस और नो। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड तो अभी हमने पढ़ाई है, या मैं इसको पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना। पर का मतलब एक ऑक्सीजन ज्यादा, डाई सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें पर एक ऑक्सीजन ज्यादा आने से परोक्सी लिंकेज भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। बोलो यस और नो। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो रहे हैं जो हमने बहुत सारे एसिड्स के नाम पढ़ रहे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? कुछ खास बातें और भी है, अभी पॉइंट्स पढ़ते जाओ, आप जल्दी लिखें इसको। तो अगला पॉइंट मेरा जो इंतजार कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2, आपने खुद ही बना लो, एक बार और बनाना पड़ेगा अगर आप पूछ रहे हो तो। डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच। तो H2S2O8 हो रहा है, 6 2 12 और 2, सॉरी 3 2 6 और 2 8, 3 2 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन है, मार्शल एसिड्स। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी तक जो पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एसिड इज पर एसिड बट नॉट परोक्सी? ए ऑप्शन HClO4, बी ऑप्शन HNO3, सी ऑप्शन H2SO5, डी ऑप्शन बहुत सारे ले सकते हैं, H3PO5, पीओ सिक्स, SCPO5, 5 आएगा। चलिए चेक करो कौन सा है। क्या ये पर क्लोरिक है? पर क्लोरिक है, हाँ इसका नाम पर क्लोरिक है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, पर है, इसका नाम ही पर क्लोरिक एसिड, लेकिन परोक्सी लिंकेज नहीं है। बढ़ते पाला आंसर आ गया, इसको देखो इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, भूल जाओ, पर ही नहीं है तो आगे क्या सोचना? H2SO5,
इसका नाम क्या है? परसल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये परोक्सी भी है? देखो ध्यान से, परोक्सी भी है और पर भी है, लेकिन उसने क्या पूछा है? बट नॉट परोक्सी। कट गया। उसने कहा पर होना चाहिए लेकिन परोक्सी नहीं होना चाहिए, ये पर भी और परोक्सी भी है, तो दोनों कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा। परोक्सी का मतलब डबल ओ लिंकेज नहीं होना चाहिए, है इसमें, पर तो है लेकिन एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी नहीं कर रहा। इसको देखो, पी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ नहीं, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ये पर भी है परोक्सी भी है, फिर कट गया। तो आंसर क्या जाएगा? ए। समझ में आ रही है बात? अच्छे से हटा दूं मैं? तो हमने बहुत सारे एसिड्स कर लिए और बहुत सारे अभी भी बाकी हैं जिनमें हम करना चाहेंगे। एक और मेरे पास है, HNO, बस। ये क्या है? इसका नाम क्या है? नाइट्रस एसिड। एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, इन डाइमर फॉर्म, यानी डाइमर फॉर्म बनने के बाद भी हम उसे नाइट्रस ही एसिड बोलेंगे, ये नहीं डाई नाइट्रस एसिड बोलेंगे। नहीं, डाई हमने क्या कर दिया, हमने दो मॉलिक्यूल को जोड़ना डाइमर हो गया और H2O निकालना जरूरी हो गया। समझ में आ रहा है? क्या इनको सिर्फ दो जोड़ रहे हैं? HNO, नाइट्रस एसिड एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, यानी HNO ये बन रहा है आपके पास, H2N2O2। एग्जिस्ट इन दो टू फॉर्म, सिस ट्रांस। एक और एसिड है जो पॉली फॉर्म में रहता है, मोनो एग्जिस्ट नहीं करता, और वो है हाइपो सॉरी मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड, आप मेटा फॉस्फोरिक एसिड भी पॉलीमर रहता है। मेटा फॉस्फोरिक एसिड कैसे निकालते हो? HCPO4 में से क्या माइनस करो कि मेटा आ जाए? HPO3। पक्का? ये भी आपके किस फॉर्म में रहेगा? पॉली फॉर्म में। पॉलीमर बनता है और HPO3 N बन के N इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, HPO3N, और N की वैल्यू स्टार्ट होती है 3 या 3 से बड़ी, इंटीजर, दो भी नहीं होती, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है। क्या रखता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर N की वैल्यू 3 है तो बताओ ये एसिड कौन सा हो जाएगा? HCP3O9। इसका नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे तो वही मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही। तो मैं इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही बोलूंगा, कुछ और नहीं बोलूंगा। अगर आपकी इच्छा हो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलना चाहो तो अलग है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को तो यही लग रहा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और फास्फोरस कितने होंगे? 3। साइक्लिक बोल चुका हूं, कितने ऑक्सीजन है? 9। 9 में से 3 यहां गए, 3 यहां गए,
तीन फिर इस तरह से गए, ये है मेटा फास्फोरिक एसिड का ट्राइमर। बताओ इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, पी ओ लिंकेज कितने हैं? पी ओ लिंकेज 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12। ये भी पी ओ लिंकेज, 1, 2, 3, 4, 4 तीय 12, बिल्कुल ये सारे पी ओ लिंकेज हैं। पी ओ पी लिंकेज कितने? पी ओ पी 1, 2, 3। इसकी बेसिसिटी कितनी है? यदि आप इसको बोलना चाहते हो तो ये बोल सकते हो SP3O9 के अंदर बेसिसिटी आपको कितनी दिखाई दे रही है? 3। बस प्लेनर है नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर, क्योंकि ये SP3 हाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस है। पक्का? कोई और ज्यादा दिक्कत नहीं है? हाँ या ना? तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास हो गए। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? सिग्मा बॉन्ड हर एक पे 4, 4 तीय 12। पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? गलत हो गया, सिग्मा बॉन्ड 12 नहीं है इसमें, कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तीय 15, 15 है। OH के अंदर भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? 3, हर एक पे 1। तो कुछ ऐसे पॉइंट जो आप बना सकते हो वो बहुत आसानी से है। हाँ क्लियर है? कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ रहा है समझ में? कोई टफ लग रहा है? अगर अगर एन की वैल्यू 3 की जगह 4 हो जाती। अगला पॉइंट, एन की वैल्यू अगर 4 हो जाती तो क्या बन जाता है? H4P4O12। पक्का? और स्ट्रक्चर कैसे बनाते? पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी, हर एक को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो एक, और हर एक को एक OH दे दो, बस बन गया। यहां पर हर एक को वो का वो, ये बस इसको 4 में कन्वर्ट करना है। 5 जाएगी, 5 कन्वर्ट कर देना, हर एक को एक OH, एक डबल बॉन्ड ओ और पी ओ पी। कहां पर? हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो ये रहा। 6 हो जाए तो वैसे ही 6 बना लो यार, पी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, बेंजीन जैसा ही बनेगा, पहले बेंजीन ही बना लो नहीं तो दिक्कत आएगी। तो ये पी 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, सही है? आ गया समझ में? डबल बॉन्ड OH, 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 डबल बॉन्ड OH। और बोलो ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब में सेम है? सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन, सभी नॉन प्लेनर है। तो बहुत सारी चीजें हम कॉमन निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? बेसिसिटी का रेशियो थोड़ी ना निकलेगा, वो तो बेसिसिटी तो बढ़ती जा रही है। रेशियो यानी दो चीज का रेशियो होता है। इसकी बेसिसिटी कितनी रहेगी? 6, टेट्रा की 4, ट्राई की 3, तो वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बढ़ता जा रहा है तो रेशियो थोड़ी ना बोलोगे आप, फिक्स अमाउंट से बढ़ रहा है, रेशियो से नहीं बढ़ रहा, मार खाएगा। समझ में आ गई बात? लैंग्वेज को सही करना सीखो। तो ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो गए जो अब आपकी नेमिंग बहुत स्ट्रांग कर चुके हैं। नेमिंग ऑफ सॉल्ट एंड नेमिंग ऑफ आयन एक ही कॉन्सेप्ट है, तो हेडिंग डालें नेमिंग ऑफ आयन।
नेमिंग ऑफ आयन, अगर आयन की नेमिंग देना आ गया तो सॉल्ट्स की नेमिंग देना बहुत आसान होगा, पक्का? तो नेमिंग ऑफ आयन में भी एनायन हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एनायन के लिए कुछ छोटा सा चार्ट बना रहा हूं मैं, एनायन के लिए। एनायन आपको कई जगह मिलेगा, सबसे पहले आइड, क्या मिलेगा? आइड, एक मिलेगा आइट, एक जगह मिलेगा आपको एट। ये तीन नाम तो आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं, आइट आइट एट, पक्का? आ गई बात समझ में? ये हमारे लिए नेमिंग ऑफ आयन चल रहा है, आइट आइट एट। आइट जब लगता है जब ऑक्सीजन नहीं हो, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्सेंट, एब्सेंट। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन नहीं है, ये बात तो हमारी तय हो गई। सेकंड, जो भी हमारे पास चार्ज है जनरली हम उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं वैलेंसी। जैसे चार्ज की वैल्यू क्या होती है? चार्ज की वैल्यू होगी नेगेटिव, नेगेटिव तो होगा ही होगा, विद वैलेंसी। फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम अलग से, एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले हेलोजन्स, तो क्या बन जाएगा? हेलाइट, आइट। जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आइड लगेगा सब जगह। एच माइनस, हाइड्राइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड, एच माइनस। ऑक्सीजन के लिए ओ की वैलेंसी कितनी होती है? टू, तो वैलेंस वैलेंसी टू, तो ऑक्साइड। सल्फर के लिए एस माइनस टू, सल्फाइड। ऑक्सीजन सल्फर। सेलेनियम के लिए सेलेनाइट, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। नाइट्रोजन के लिए एन माइनस थ्री, नाइट्राइट। नाइट्रोजन के नीचे कौन सा होता है? पी माइनस थ्री, फॉस्फाइट। एग्जाम्पल होगा ये, पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। सी माइनस फोर, कार्बाइट। अब सी पे जब भी माइनस आएगा कार्बाइड, विदाउट ऑक्सीजन। कोई डाउट? तो ये कार्बाइड। इसके अलावा अब बात आती है आइट। आइट के लिए आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन होगी। एट और आइट जब भी आएंगे ऑक्सीजन होगी। तो जितने भी, कैसे पता लगाएंगे? एनायन जनरेट बाय अस एसिड, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? आइट। एनायन जनरेट बाय अस एसिड। एग्जाम्पल एनओ टू माइनस नाइट्रस एसिड से नाइट्राइट, नाइट्राइट आइट आएगा। तो नाइट्राइट और नाइट्राइट में अंतर दिख रहा है आपको? नाइट्राइट तो एन माइनस थ्री है, और नाइट्राइट टी आर आई टी,
एनओ टू माइनस है। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो। एसओ थ्री माइनस टू सल्फाइट, एक और बात है, अगर एच एसओ थ्री माइनस रह गया, एक सल्फर है एसिडिक, तो हाइड्रोजन सल्फाइट, हाइड्रोजन बोलना पड़ेगा सल्फाइट। तो आप अपनी लैंग्वेज में रखेंगे, जितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो वहां लिखने पड़ेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइट। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कौन सा लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन सल्फाइट। HPO3 माइनस टू, बताओ इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, जीरो। यह हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो जब है ही नहीं तो इसका नाम हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है नहीं, तो इसका नाम क्या होगा, फॉस्फाइट। अब H2PO3 माइनस, इसमें कितने हाइड्रोजन एसिडिक है, एक, तो हाइड्रोजन फॉस्फाइट। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो हर चीज को, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये हाइड्रोजन फॉस्फाइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब कौन बच रहा है, एट, एट को नीचे लिख लो आप अपनी कॉपी में, जगह नहीं है यहां पर। एट, सबसे पहले ऑक्सीजन प्रेजेंस है या नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट, सही है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एट यूज होगा, लेकिन एनायन जनरेट बाय, एनायन जनरेट बाय एक एसिड जैसे NO3 माइनस, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रेट। एग्जाम्पल फर्स्ट, SO4 माइनस टू सल्फेट, थर्ड HSO4 माइनस, एक हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट है ये, एसिडिक एनायन है ये, तो क्या बोलोगे इसको, सल्फेट, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। फोर्थ, बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे, PO4 माइनस थ्री फॉस्फेट, HPO4 माइनस टू हाइड्रोजन फॉस्फेट, H2PO4 माइनस डाइहाइड्रोजन, फॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। CO3 माइनस टू कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड से बनाया कार्बोनेट, एट तो लगना ही है। HCO3 माइनस, इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन इसका पुराना नाम ज्यादा चलता है, कॉमन नेम बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट या लगा दीजिए। तो
तो हम बहुत सी बात बोलते हैं इसको, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम ही हमने यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे तो भी चलेगा। ये 6 नंबर, ये नहीं, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं इसके। आप देखो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। यहां आप खुद देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, P4 है ना, PO- OH डबल बॉन्ड O। आपको दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिडिक दिख रही है ना, हाँ। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम होती तो ये फिर लोन पेयर रहता है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाती, और फिर उस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड रह जाता और वो H उधर चला जाता। तो वो इस तरह से होता है, तब PO- OH, यहाँ लोन पेयर होना जरूरी है, शिफ्ट हो गया तो ये यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड रह जाएगा। अब बताओ कितनी हाइड्रोजन एसिडिक है, एक ही रह गई क्योंकि वो फास्फोरस से जुड़ी है। तो इसका नाम हो जाएगा, ये अस एसिड से बनाया तो आइट लगेगा, एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है तो हाइड्रोजन फॉस्फाइट, हाइड्रोजन फॉस्फाइट, क्लियर है। तो इस तरह से आपको मैंने सारे नेम्स याद करा दिए। इसी के अंदर हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ केटायन, नेमिंग ऑफ केटायन, नेमिंग ऑफ केटायन बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो भी मेटल नेम है पहले मेटल को पता लगाओ, मोनोवेलेंट है या पॉलीवेलेंट है, या ना मोनो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और एक पॉली है, पॉलीवेलेंसी या ना मोनोवेलेंसी बोल दो यहां पर। और पॉलीवेलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कौन आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट ए कौन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांशियम, और सेकंड कौन से है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, दो ही ग्रुप है। पॉलीवलेंट, इसके अंदर डी ब्लॉक मेटल आएंगे, तो यहां तो मेटल नेम प्लस IUM लग जाता है। यहां लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को अस बोलेंगे, मेटल नेम प्लस अस, और हायर ऑक्सीडेशन मेटल नेम प्लस इक। यहां एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे सोडियम, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम बेरेलियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, बस कुछ है ही नहीं, IUM लगना है, मैग्नीशियम इनके नाम ही IUM पे ही खत्म होते हैं वैसे तो। और यहां पर मेटल जैसे फेरस और ये फेरिक, फेरिक उसमें कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है, क्यूप्रस क्यूप्रिक बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसके दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनमें अस और एक लगाने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स में बहुत आसानी है, हेडिंग डाल लीजिए इसी के अंदर, नेमिंग ऑफ सॉल्ट, केटायन का नाम पहले लिखना पड़ता है और फिर एनायन। सॉल्ट कैसे बनते हैं, ऑब्वियसली मेटल
और यहाँ एनायन। तो आप अच्छे से जानते हैं ए और बी, ये जनरली मेटल है और ये नॉन मेटल पार्ट है। मेटल एनायन और ये मेटल कैटायन है। बस इसका नाम फर्स्ट लिखा जाएगा और इसको बाद में लिखेंगे सेकंड नंबर पे। एग्जाम्पल आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। जैसे मैंने NaNO2 लिखा तो क्या बोलोगे इसको? सोडियम। इन तीनों के नाम लिखो, सोडियम नाइट्राइट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, Na3N, सोडियम नाइट्राइड। बस खत्म, सबकी वैलेंसी लगाया। हमें ये जरूरी नहीं है कि तीन बार सोडियम है तो ट्राई सोडियम लिखने की जरूरत नहीं होती। मेटल नेम और एनायन नेम, कैटायन नेम, एनायन नेम, विदाउट डाइट्राई टेट्रा यूज करते हुए। कोई दिक्कत आई आपको? अच्छे से समझ में आ गया, लिखें इसको।